आज हमारे पास एक साहिल आए हैं जिनका नाम अशोक कुमार है। इनका बदीन में एक्सीडेंट हुआ था, ये काम से घर जा रहे थे, इनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, इनको एक गाड़ी ने हिट किया था। तो इसके बाद ये हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वालों ने इन्हें कराची रेफ़र किया। इसके बाद ऑपरेशन में इनकी पूरी टांग जो कि है वो कट गई है ना, तो इसी सिलसिले में हम इनको अब आर्टिफिशियल लिम्ब लगा रहे हैं, जो कि मस्नूई पाँव होता है वो लगवा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने इनको कराची बुलाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक या डेढ़ हफ्ते बाद इनको जो आर्टिफिशियल लिम्ब है वो इनको लग जाएगी, जिसके बाद ये अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में रूटीन में अपनी लाइफ गुजार सकेंगे। अब ये एक साहब मेरे पास आके बैठे हुए हैं अशोक कुमार, जिनका ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है, तो ये साइज़ के लिए आज हमारे पास आए। तो आज इनका हमने एक अबव नी यानी कि घुटने से ऊपर की टांग का साइज़ लेना है। साइज़ के बाद फिर हम इनको तरीक़ेकार बताएंगे कि ये आर्टिफिशियल लिम्ब्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट बदीन का रहने वाला हूँ, बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मोटरसाइकिल पे मेरी एक्सीडेंट हो गया था और मेरी टांग कट गई थी। टांग कट गई थी उस वजह से मैं बहुत परेशान था। किसी ने मुझे बताया था कि ये सैलानी वेलफेयर वाले ये आर्टिफिशियल टांगे और हाथ बना के देते हैं, उस वजह से मुझे आज इन्होंने आर्टिफिशियल टांग बना के दिए और लगाई हुई है। माशाल्लाह अब मैं अपने बच्चों को कमा के खिला सकूँगा। मैं एक बहुत गरीबी आदमी था, कहाँ जाता। बहुत ही बड़ी मेहरबानी सैलानी वालों की कि उन्होंने ये काम करके दे दिया और आर्टिफिशियल टांग आज मुझे बना के इन्होंने लगा के दे दिए। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।